दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पैन कार्ड किस तरीके से बनाते हैं अपने आप अपने मोबाइल से अपने फोटो और अपने सिग्नेचर के साथ। दोस्तों आप इस तरीके का पैन कार्ड बना सकते हैं जिसमें आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका फादर नेम सब चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए अपने मोबाइल की सहायता से। चलिए दोस्तों बिना देरी करें प्रोसेस शुरू कर देते हैं। पैन कार्ड बनाने के लिए आपको NSDL पैन कार्ड लिख के जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख जाएगा अप्लाई ऑनलाइन, सिंपल यहाँ पर न्यू पैन सिटीजन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इंडिविजुअल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइटल अपना सेलेक्ट करना होगा जिसमें आपको श्री श्रीमती या कुमारी जो भी आप हो वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपका जो लास्ट नेम है आपको पहले एंटर करना होगा। दोस्तों इस केस में अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो फर्स्ट नेम है आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, जो आपका मिडिल नेम है यहाँ पर एंटर करना होगा। आपके जो डेट ऑफ बर्थ है अपनी डेट ऑफ बर्थ को अच्छे सेलेक्ट करें और ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि 72 घंटे में आपके पास भेजा जाएगा आपका ईमेल आईडी पर पैन कार्ड। मोबाइल नंबर एंटर करके कैप्चा यहाँ पर फिल करना होगा। कैप्चा का अगर समझ नहीं आता रिफ्रेश करना होगा, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं रहेगी, सारा कैपिटल में रहता है और अच्छा दिखता है, तो सिंपली डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा जो टेम्प्रेरी होगा, जिसके माध्यम से अगर आपकी एप्लीकेशन बीच में छूटती हो तो आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। अब देखिए अगर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका अगर आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर लगाकर पैन कार्ड बनाना तो सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा, नहीं तो जो आधार कार्ड KYC के थ्रू करना है कुछ अपलोड नहीं करना तो पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट रहने देंगे। अब देखिए दोस्तों जो आप हम फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो सिंपली हम सेकंड वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर दोस्तों आपसे आपके आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक पूछे जाएंगे। जो भी आपके आधार कार्ड के लास्ट 4 अंक है यहाँ पर आपको एंटर कर लेने होंगे। नीचे आएंगे तो आधार कार्ड बेस पर जो आपका नाम है यहाँ पर एंटर करेंगे। कुछ डिटेल यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन आपने शुरू में डाली है वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर सिर्फ आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद थोड़ा नीचे आओगे अभी आपको कुछ नहीं एंटर करना है, सिंपली यहाँ पर दोस्तों आपको अपने फादर नेम यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी चीज़ आपके फादर नेम है यहाँ पर डिटेल डाल दो। कि मम्मी का नाम ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। आप अपने पैन कार्ड पे किसका नाम प्रिंट चाहते हो, मम्मी का या पापा का, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके फादर और करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नो इनकम सेलेक्ट कर लोगे सेकेंड वाले, मतलब जो आप स्टेप पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको नो इनकम सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि लास्ट वाला ऑप्शन नो इनकम है। उसके बाद आप यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आओगे तो आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा। यहाँ पर दोस्तों जो भी आपके गांव का नाम, ब्लॉक नंबर या कुछ है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ना करके लिख सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन में दोस्तों आपको अपने जो गांव का नाम है, गांव का नाम यहाँ पे डालना होगा। जिस भी गांव से आप बिलोंग करते हैं अपने विलेज का नाम यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों आप आगे दिखेगा आपका पोस्ट ऑफिस, अपने पोस्ट ऑफिस का नाम जरूर डालना क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है डिलीवर करा जाएगा। पोस्ट ऑफिस का नाम डालने के बाद सिंपली आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे एंटर करना होगा। जो चीज़ मैं डाल रहा हूँ आप उसी चीज़ को काफ़ी डाल सकते हैं, जो भी आपकी डिटेल है अपनी डिटेल आपको एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंडिया अपना सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया का नाम, अपने जो कंट्री का नाम है वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर अपना राज्य आपको सेलेक्ट करना होगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, या आपको उत्तर प्रदेश हो तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करें, उत्तराखंड हो तो उत्तराखंड, हमारा बिहार यहाँ पर आता है तो हम बिहार कर लेते हैं। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है अपना पिन कोड डालने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। यहाँ पर सिर्फ आपको आपका जो स्टडी कोड है यानी इंडिया का 91 है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पर फिल आएगा। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी चेक कर लेनी है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर ईमेल आईडी के नीचे आपको आओगे तो नो पे टिक रहने देना, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको इंडिया सिटीजन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने यहाँ पर अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो जैसे यहाँ पर बिहार है तो सिंपली हम सेलेक्ट कर लेते हैं बिहार। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सिटी में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सर्च कर लें तो डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, सेलेक्ट कर लें। आगे एरिया नेम में भी अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ही डाल सकते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ फैच का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, डाटा का होता है इसको ओके करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको फैच का ऑप्शन मिलता है, क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके आगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने की आपको बोला जाएगा। आप सिंपली सब में आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लें, जिस तरीके से इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। सभी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपको जहाँ पे आपका नाम दिख जाएगा डिक्लेरेशन में, यहाँ पर आपको हिम सेल्फ सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो हिम सेल्फ सेलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन आ जाता है। तो हिम सेल्फ सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आओगे, यहाँ प्लेस में अपने जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है आप एंटर कर सकते हो। तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करने के बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पर अपना फोटोग्राफ अपलोड करने का, सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों अपने जो फोटोग्राफ आपको सेलेक्ट करना है, जिस जो साइज होना चाहिए आपके जो फोटो का साइज है मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए, सिग्नेचर का मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। तो आपको फोटो
का जो सिग्नेचर है कहाँ से आपको रिसर्च करना है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मैंने सारी चीज़ बता रखी किस तरीके से रिसर्च करोगे पैन कार्ड बनाने के लिए। दोस्तों देखिए, मैं अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ, दोनों ही 50-50 KB से कम गए। साथ ही दोस्तों आधार कार्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हम देंगे। आधार कार्ड की आप PDF बना लोगे जो 300 KB मैक्सिमम होगा साइज। सिंपल दोस्तों PDF यहाँ पर अपलोड करनी होगी आपको, वो साइज किस तरीके से बनाना है सब कुछ मैंने बता रखा है, वीडियो देख लें। या उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को रिसाइज करके सिंपली सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड कर लें। सारी फोटो को सेलेक्ट करने के बाद अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपके आगे जो फाइनल यहाँ पर एप्लीकेशन को चेक करने के लिए बोला जा रहा है, अपनी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से आपको चेक कर लेना। यहाँ पर आधार कार्ड के शुरू के 8 अंक आपको डालने होंगे, जो कि आधार कार्ड में स्टार्टिंग में 8 लेटर होंगे उसको यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद जो भी आपकी एप्लीकेशन आपने फिल करी है ना पीछे, वो सारी डिटेल आपको इस वाले ऑप्शन पर मिल जाएगी। तो सिंपली आपको सारी डिटेल इतने अच्छे तरीके से चेक कर लेनी, क्योंकि आपका लास्ट फाइनल स्टेप है ये। इसमें जो भी आपने डिटेल डाली है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी जीमेल आईडी, जो भी चीज़ें आपने एंटर की हैं वो सारी आपको इस फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएंगी। अब सिंपली दोस्तों इस फॉर्म को आपको अच्छे से चेकआउट कर लेना है, जिस तरीके से मैं अच्छे से एक एक चीज़ को चेक कर रहा हूँ आपको उसी तरीके से करना है। क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो आपको फिर दोबारा से करेक्शन में ले जाकर अपने पैन कार्ड को अप्लाई करना होगा, जिसमें 106 रुपये की फिर दोबारा फीस लग जाएगी। तो आप अच्छे तरीके से हर चीज़ को चेक करके उसके बाद नीचे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए बिल पेमेंट करने वाला ऑप्शन आ जाएगा, बिल टैक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको जो पेमेंट करने का मेथड आ चुका है, इसमें सिंपली मैं QR कोड सेलेक्ट करूँगा और भीम UPI यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद पेमेंट मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो QR कोड जनरेट होकर आ जाएगा। अभी सिंपली यहाँ पर आपको अपना किसी भी गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से QR कोड स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ये पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा, आपको सिंपली थोड़ी देर इंतजार कर लेना है। देखिए रिडायरेक्ट हो रहा है, अगर आप इसमें ज़्यादा छेड़खानी करोगे, बैक करोगे या कुछ करोगे तो जो पेमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको छेड़खानी ना करें, ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट होगा आपकी पेमेंट रिसिप्ट पर। सिंपली दोस्तों देखिए पेमेंट रिसिप्ट जनरेट होती है, ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए मैं इंतजार किया, उसके बाद देखिए जो पेमेंट रिसिप्ट थी ऑटोमेटिक जनरेट हो चुकी है। नीचे आएंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद धार ऑथेंटिकेशन वाला पेज आ चुका है। सिंपली इसमें आपको नीचे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। जैसे आप ऑथेंटिकेट पर क्लिक करोगे तो OTP ऑथेंटिकेट का एक ऑप्शन आएगा, सिंपली इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP गया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना होगा। OTP डालने के बाद आप सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विद ई साइन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, सिंपल इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद टिक करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर आधार कार्ड में उस पर OTP गया होगा, सिंपली वो OTP यहाँ पर दर्ज करेंगे, OTP यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों आप वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो थोड़ा लोड होगा, उसके बाद जो भी आपकी फाइनल सबमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिए जो आपका फाइनल सबमिट कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है आपके आगे इस तरीके से आ जाएगी। अभी दोस्तों इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप में आपके जो पासवर्ड पूछा जाएगा, दोस्तों आपके पासवर्ड में यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, बिना किसी सिंबल, बिना किसी भी स्पेस के। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद एंटर करेंगे तो आपके आगे जो आपकी स्लिप है निकल कर आ जाएगी इस तरीके से। स्लिप को आप अपने पास डाउनलोड या प्रिंट करके रख लें, ताकि कभी भी इन फ्यूचर आपका पैन कार्ड खो जाए तो इसके माध्यम से आप निकलवा सकते हैं अपना पैन कार्ड। दोस्तों जो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिली है आपको इसको संभाल के रखना है दोस्तों, किस लिए, क्योंकि दोस्तों इन फ्यूचर कुछ लोगों के साथ क्या होता है, उनका पैन कार्ड नंबर, उनका कुछ भी उनके पास नहीं होता, तो आप इस स्लिप के माध्यम से निकलवा सकते हैं, नहीं तो आपको इनकम टैक्स ऑफिस से ही ये चीज निकलवानी पड़ती है, इसलिए परेशान होते हैं, इसलिए इसको रख ले अपने पास। साथ ही दोस्तों आपको इंतजार करना है, 10 से 15 दिनों में आपके घर पर डिस्पैच कर दिया जाएगा उनका पैन कार्ड, फिजिकली जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों 72 घंटे के अंदर अंदर आपकी ईमेल आईडी पे आपका पैन कार्ड आ जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके अपने पैन कार्ड को कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको नॉलेज अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों अब चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ रखिए। बाय, जय हिंद।